कालम महाकाल कालम कृपालम। भगवान शंकर साक्षात महाकाल है। एक तो होता है काल, काल अगर किसी की तरफ देख दे तो समझ लेना वो जय जय सीताराम होने वाला है। और शंकर जी तो महाकाल हैं, काल भी जिनके सामने थर थर कांपता रहता है। दक्ष को प्रसन्न होना चाहिए था, अच्छा हुआ महाकाल की दृष्टि मेरे ऊपर नहीं पड़ी। लेकिन दक्ष भगवान शंकर के लिए भरी सभा में अपशब्द का प्रयोग करता है। शंकर जी चुपचाप मुस्कुरा रहे हैं, सुन रहे हैं। कोई आपके ऊपर क्रोध कर रहा हो, क्रोध में बरस रहा हो, अपशब्द का प्रयोग कर रहा हो, आप थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, बस थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। अगर कोई दूसरा दामाद होता तो कर्म पूरा नहीं हो सकता है। भगवान शिव विश्वास के देवता है, और बिना विश्वास के सर्प और बिच्छू का भी मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता। बड़े बड़े यज्ञ कैसे होंगे जहां विश्वास ही ना हो। आप भगवान की कथा में आकर के बैठे, इस दरबार में आप क्यों आए, आपको कौन लाया है? आपके हृदय में जो विश्वास है, भगवान के प्रति विश्वास है, भगवान की कथा के प्रति विश्वास है, संत महापुरुषों के प्रति विश्वास है, सदगुरु के प्रति विश्वास है, उस विश्वास ने आपको यहां पर ला करके बिठाया। अगर आप में विश्वास ना हो तो आप कथा सत्संग में क्यों जाएंगे, मंदिर में क्यों जाएंगे, रामायण भागवत क्यों सुनेंगे। भगवान शंकर साक्षात विश्वास के स्वरूप है। कौन सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिना विश्वास के कोई सिद्धि कोई सफलता नहीं है। दक्ष ने यज्ञ सबको निमंत्रण दिया अपने यज्ञ का, ऋषि मुनियों को बुलाया, देवताओं को बुलाया, ब्रह्मा जी को निमंत्रण भेजा, भगवान विष्णु को निमंत्रण भेजा, लेकिन शंकर जी को निमंत्रण नहीं भेजा, और तो और अपनी लाड़ीली बेटी सती को भी निमंत्रण नहीं भेजा। अब तो स्वर्ग के देवता अपनी अपनी देवियों को विमान पर बिठा करके दक्ष के यज्ञ की ओर जा रहे हैं, आकाश मंडल से विमान जा रहे हैं। सती जी शंकर जी से पूछने लगी, महाराज ये विमान कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी कथा सुना रहे हैं और उनका ध्यान विमान की तरफ है। शंकर जी ने बताया, देवी ये विमान तुम्हारे पिता के यज्ञ में जा रहे हैं। क्या मतलब? शंकर जी ने आज सारा प्रसंग बताया। तुम्हारे पिता ने तीर्थराज प्रयाग में भरी सभा में मेरा अनादर किया और मुझको नीचा दिखाने के लिए वो यज्ञ संपन्न कर रहे हैं। स्वर्ग के देवता अपनी पत्नियों को विमान पर बिठा करके तुम्हारे पिता दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। सती जी कहने लगी, महाराज ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको भी चलना चाहिए मेरे पिता के यज्ञ में, मुझे लेकर के सम्मिलित रखें तो इनके यहां जाना चाहिए। पिता अगर सद्भावना ना रखे तो नहीं जाना चाहिए। शंकर जी कहने लगे, तुम अगर जाना चाहो तो जाओ, वैसे तो मैं तुमको भी मना कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारा मन न माने तो तुम जा सकती हो, लेकिन मैं तो नहीं जा सकता। शंकर जी ने जब ये कहा तो सती जी कहने लगे, मैं आपके लिए अपने पिता, उनकी मुस्कुराहट में भी व्यंग था कि तुम बिना बुलाए आ गई। हाँ, सती जी की माँ अवश्य प्रेम पूर्वक सती जी को हृदय से लगाती है, मिलती है। कुपुत्रो जाए ते क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। माँ माने सती जी को हृदय से लगा करके कहा, बेटी तुम्हारे पिताजी को न जाने क्या हो गया है, उनकी बुद्धि न जाने कैसी हो गई है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना। सती जी सोचने लगी, यज्ञ मंडप में चल करके मैं देखूं, शंकर जी को नहीं बुलाया, लेकिन भगवान शिव के बिना भला यज्ञ कैसे संपन्न हो रहा है, ऐसी कौन सी विधि निकाल लिया, यज्ञ मंडप में जा करके देखूं। ऋषि मुनियों से यज्ञ मंडप भरा है, देवताओं से यज्ञ मंडप भरा है, लेकिन यज्ञ मंडप में अगर नहीं है तो तीन व्यक्ति नहीं, एक तो ब्रह्मा जी नहीं,
ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्मा जी इसलिए नहीं आए, ब्रह्मा जी ने देखा जिस यज्ञ में विश्वास के देवता का तिरस्कार हो रहा है उस यज्ञ में मैं जाकर के क्या करूंगा। विश्वास के बिना यज्ञ रूपी जो शरीर है वो तो शव के समान है, शव के समान। हमारे आपके जीवन में जिस मनुष्य में भगवान के प्रति विश्वास ना हो वो जीवित नहीं है, वो तो मृतक के समान है। जीते जी 14 ऐसे प्राणी हैं बताए गए जो मृतक के समान, चलते फिरते मुर्दे होते हैं। एक अचल मुर्दा होता है और एक चलते फिरते मुर्दे होते हैं। जिसके जीवन में भगवान के प्रति विश्वास ना हो वो चलते फिरते मुर्दे। ब्रह्मा जी नहीं आए, भगवान विष्णु नहीं आए। भगवान विष्णु का आने का तो प्रश्न ही नहीं, जहां विश्वास ना हो वहां भगवान कैसे आ सकते हैं। शंकर जी के आने का प्रश्न नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी का आसन दिया गया है, ब्रह्मा जी का भाग निकाला गया है, भगवान विष्णु का भी आसन लगा है, भाग निकाला गया है, शंकर जी का कोई आसन नहीं, कोई भाग नहीं। सती जी को बड़ा क्रोध आया, सभा मंडप में उपस्थित ऋषि मुनियों को डांटने लगी, आप सब मेरे पिता के इस दंभ यज्ञ में सम्मिलित होकर के इस अपराध में आप भागीदार हो रहे हैं, आप सबको अपने अपराध का दंड मिलेगा। यद्यक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत् प्रसंगादघमाशुहन्ति तत् पवित्रकीर्तिं तमलङ्घ्य शासनं भवानहो द्वेष्टि शिवं शिवेत भवानहो द्वेष्टि शिवं शिवेत। सती जी कहने लगी भगवान शंकर का शिव ये दो अक्षर का नाम जो उच्चारण करते हैं, शिव नाम का जो उच्चारण करते हैं बड़े बड़े पाप के पहाड़ नष्ट हो जाते हैं। सकित प्रसंगा दघ माशुहांति तत् शिव नाम का जो उच्चारण करते हैं उनके पाप के बड़े बड़े पहाड़ नष्ट हो जाते हैं। ऐसे पवित्र कीर्ति वाले भगवान शंकर का आप सब अनादर कर रहे हैं, उनसे द्वेष कर रहे हैं, आश्चर्य की बात है। आज सती जी को समझ में आई बात, मैं भगवान शंकर के विरोध में बार बार क्यों जा रही हूं, आज उनकी समझ में आई। सती जी विचार करने लगी मेरा जो शरीर है ये दक्ष के द्वारा उत्पन्न शरीर है, दक्ष के द्वारा उत्पन्न शरीर। देखिए स्त्री के जीवन में दो का संस्कार होता है, एक तो पिता का संस्कार होता है और दूसरे पति का संस्कार होता है। जहां पर जन्म हुआ तो माता पिता के संस्कार होंगे उसमें, जहां पर उसका पालन पोषण हुआ, जहां पर वो रही, जहां पर बड़ी हुई, पढ़ लिख करके बड़ी हुई, जहां पर उसने सब कुछ सीखा, माता पिता के संस्कार उसमें होते हैं। सती जी समझ गई मैं बार बार भगवान शंकर के विरोध में क्यों जा रही हूं, इसलिए मेरा ये जो शरीर है ये पापी दक्ष के संस्कारों से निर्मित है, इसलिए बार बार मैं भगवान शिव के विरोध में चली जाती हूं, इसलिए मैं इस शरीर को ही नहीं रखू। कोई खट्टी वस्तु अगर आप पीतल के बर्तन में रखें, पीतल के बर्तन में अगर आप दही रखें तो अचार रखें, खटाई रखें पीतल के बर्तन में ठीक रहेगा, बेकार हो जाएगा। अगर उसे ठीक रखना है तो आपको पात्र बदलना पड़ेगा, पात्र बदलना पड़ेगा। सती जी समझ गई मेरा शरीर रूपी जो पात्र है
ये पापी दक्ष के संस्कारों से निर्मित है, इसलिए इस शरीर के द्वारा बार बार भगवान शिव का मैं अपराध कर रही हूं, तर्क कुतर्क करती हूं भगवान के संबंध में मैं, इसलिए मैं इस शरीर को ही बदल करके रहूंगी, इस शरीर को ही नहीं रखूंगी। योगाग्नि के द्वारा सती जी ने शरीर का त्याग कर दिया, हाहाकार मच गया। शंकर जी के गण जो साथ में आए थे सती जी के यज्ञ को विध्वंस करने लगे, लेकिन ऋषि मुनियों ने मंत्र पढ़ा, बहुत से देवता उत्पन्न हुए, उन देवताओं ने शंकर जी के गणों को मार भगाया।